सिद्धेभ्यः ॐ नमः 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 सिद्धेभ्यः। भद्रात्माओं, सीधे भावों से हम पहुँचे मांगी तुंगी भगवान शब्दों के चरणों में नमन करते हुए। ओम ह्रीम श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीम श्री सब देवाय नमः। पुनश्च उनकी जन्मभूमि अयोध्या में पहुँचे भावों से। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम नवग्रह शांति कारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम नवग्रह शांति कारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनः अक्षय तृतीया व्रत जो चल रहा है उसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। पुनश्च गुरु नाम गुरु के श्री चरणों में। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा, एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अभी परसों से यानी रविवार से तीन व्रत प्रारंभ होंगे। एक तो नवरात्रि व्रत जो आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक किया जाता है, नवरात्रि व्रत जिसका कि मराठी व्रत कथा संग्रह में विशेष रूप से उल्लेख है, और भरतृत्व वैभव में भी पढ़ा मैंने अभी कि उसमें भी है कि चक्रवर्ती भरत ने नौ दिन तक अखंड पूजा की है, भगवान शिवदेव की आराधना की है। पुनश्च दसवें दिन उन्होंने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, इसीलिए वो विजयादशमी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। जो भी हो, अनेक उसके बारे में धारणाएं हैं, लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार जो प्राप्त हुआ सो स्पष्ट है। और पुनश्च द्वितीय व्रत है नव देवता व्रत, जिसका नाम उस मराठी पुस्तक में रूपार्थ वल्लरी भी है। नव देवता व्रत नौ दिन तक किया जाता है। एक एक अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैताले, इन नव देवताओं की आराधना करते हुए नव देवता व्रत है। तीसरा है शारद पक्ष, आश्विन शुक्ला एकम से लेकर कार्तिक कृष्णा एकम तक 16 दिन तक सरस्वती की आराधना विशेष रूप में की जाती है, और शासन देव देवियों की भी आराधना यथा योग्य गोमुख चक्रेश्वरी अक्षय आदि की, पद्मावती माता आदि की, लक्ष्मी सरस्वती आदि की विशेष रूप से। तो वो सब जो है शारदा पक्ष में विशेष रूप से सरस्वती माता की आराधना, दिनवाणी की आराधना विशेष है, उसका मंत्र है। तो ये तीन व्रत परसों से चालू हो जाएंगे, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार आप लोग करें। अब मैं आपको ले चलूँ भगवान शिवदेव की ओर, जिनकी स्तुति सन 1975 में मैंने हस्त्रापुर में बैठ करके एकाक्षरी छंद से लेकर के और प्रारंभ की थी। उसमें चार अक्षरी छंद है, आज क्रम प्राप्त 11वां श्लोक। ज्ञान सिंधुम सर्वबंधुम सर्वसिद्धि नवमी नित्यम, चार चार अक्षरों के एक एक चरण हैं। ज्ञान सिंधुम, हे भगवान आप ज्ञान के समुद्र हैं, यानी कैसा ज्ञान है अगाध कि जो जिसमें इतने तीन लोग जो है ऐसे अनंत तीन लोग आ जाएं तो भी उसके अंदर समा जाएं, जिनका ज्ञान रूपी समुद्र इतना विशाल और महान है। यज ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते, जिनके ज्ञान के अंतर्गत तीनों लोग जो है गोस्पद यानी गाय के पैर रखने की जगह के समान छोटा सा प्रतिभाषित होते हैं, ऐसा श्री गौतम स्वामी के वचन। ज्ञान सिंधु, ऐसे ज्ञान के समुद्र यानी केवल ज्ञान को पूर्ण प्रकट कर दिया जिन्होंने। सर्वबंधुम, और सारे विश्व के तीनों लोगों के जो बंधु हैं, अकारण बंधु हैं, तीनों लोगों के प्राणियों का हित करने वाले हैं। आज सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अमेरिका में भी व्हाइट हाउस में नवकार मंत्र की ध्वनि करके अब विश्व शांति की कामना करेंगे। कितनी बड़ी बात है, आप चिंतन करें। हम आपको तो प्रेरणा अपने भारत के लिए दे ही रहे हैं कि आप लोग सब प्रतिदिन विश्व शांति की कामना से शाम को ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः इस मंत्र की एक एक माला सब लोग अवश्य फेरें सामूहिक रूप में। आप स्वयं पृथक पृथक जैसा भी हो संभव हो, कभी भक्तावर का पाठ है, कभी कुछ पाठ है, कभी अनुष्ठान है, अनेक प्रकार के। अभी आप लोग जो है कोई भी अनुष्ठान आष्टानिक पर्व आदि में करते हैं या कभी भी करते हैं तो उसमें लिखते हैं
विश्व शांति यज्ञ अनुष्ठान सभी के साथ आप जोड़ करते हैं विश्व शांति के लिए। देशस्थ राष्ट्र से पुरस्थ आज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रा। प्रतिदिन आप पूजा के अंत में जो समापन करते हुए शांति पाठ पढ़ते हैं उसमें भी कहते हैं आप देश राज्य राष्ट्र सबके लिए सारे प्रजा के लिए क्षेम हो शांति हो सुविक्ष हो हे भगवान करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र जिनेन्द्र भगवान आप सबकी शांति करें आदि। ये भावना भाते ही भाते हैं प्रतिदिन भाते हैं आप बात ही है। अब उसके साथ आप चलिए इसलिए तीनों लोगों के संपूर्ण विश्व के बंधु हैं भगवान। एक इंद्रिय से लेकर सभी जीवों की रक्षा करने वाले सब पर अभयदान देने वाले और अभयदान का उपदेश देने वाले अहिंसा परमो धर्मा को बताने वाले इसलिए सर्व बंधु सभी प्राणी मात्र के बंधु हैं। सर्व सिद्ध ही नौम निमित्तम सभी सिद्धि के लिए संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति के लिए सभी हमारे कार्य सिद्ध हों और सर्व सिद्धि यानी जो आत्मा की उपलब्धि है सिद्धि स्वात्मोम लब्धि। पूज्यपाद स्वामी ने कहा सिद्धि का अर्थ क्या है अपनी आत्मा की उपलब्धि हो जाना इसका नाम सिद्धि है अर्थात आत्मा को परमात्मा बना लेना। इसीलिए मैं नित्यम नवमी इसीलिए हम नमस्कार करते हैं। ये चार अक्षरी छंद है। अब पांच अक्षरी छंद में कहते हैं अनेक प्रकार के छंदों के प्रयोग में जो है पांच अक्षरी छंद है पंक्ति छंद उसका नाम है पंक्ति छंद। इस पंक्ति छंद में कहते हैं हाटक वर्णम सद्गुण पूर्णम सिद्ध वधुस्ताम सास वर्णीते। ये पंक्ति छंद नाम से छंद है पांच अक्षरी है। हाटक वर्णम हाटक यानी स्वर्ण कोष में स्वर्ण के अनेकों नाम आए हैं हिरण्यगर्भ स्वर्ण आदि तो हाटक वर्णम कनक हिरण्य आदि सब सोने के नाम बहुत सारे हैं तो हाटक यानी स्वर्ण स्वर्ण के सदस्य आप बनवाले हैं स्वर्णिम वर्ण के 16 तीर्थंकर हैं उसमें आप प्रथम हैं। स्वर्ण वर्ण के समान आपका शरीर सद्गुण पूर्णम संपूर्ण गुणों से अनंत गुणों से आप परिपूर्ण हैं और सिद्ध वधु स्वाम सास मृणीते सिद्धि कन्या। सिद्धि कन्या ने उसने आपको वरण किया अर्थात आपने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया अर्थात आपने अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा कृतकृत निरंजन आत्मा बना लिया। सिद्धि वधु मतलब सिद्धि नाम की कोई कन्या या वधु नहीं है एक अलंकार उपमा अलंकार उपमा अलंकार है अलंकारिक भाषा है। सिद्धि वधु स्वाम सास मृणीते क्योंकि मोक्ष को प्राप्त किया तो अनेक काव्यों में उसको कह देते हैं और मृत्युंजय पद भी कहते हैं मृत्युंजय पद प्राप्त किया ऐसे ही है। पांच अक्षरी छंद है। दूसरा है पांच अक्षरी छह अक्षरी छंद है शशि वदना मुनिनुत पाद त्रिभुवन नाथ विगलित मोह निज सुखमा आपनोत। ये छह अक्षरी छंद है इसका नाम है शशि वदना छंद। मुनिनुत पाद आपके चरणों में मुनियों ने भी नमन किया है बड़े बड़े योगियों ने भी नमन किया है। त्रिभुवन नाथ तीनों लोगों के आप नाथ हैं स्वामी हैं उनके रक्षक हैं उनको सनाथ करने वाले हैं। विगलित मोहा और आप मोह से रहित हैं ये मेरा है मोह से रहित होकर भी आप सबकी रक्षा करते हैं सबका उपकार करते हैं सबके स्वामी हैं। आपके अंदर मोह नहीं है कि मेरा फिर भी आप रक्षक हैं। निज सुख आप लो तो अपनी आत्मा के सुख को आपने प्राप्त किया बात ही है। ऐसा जैन शासन हमने और आपने पाया तो कितनी बड़ी बात है कितने जन्म का पुण्य एक साथ हमारे और आपके उदय में आया है जो ऐसे परमोपकारी ऋषभदेव के शासन को भगवान महावीर के शासन को हमने पाया तीर्थंकर के शासन को पाया और हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के सन्मुख आप सम्यक दृष्टि बनकर आप अपने स्थित कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। साधु अपने धर्म का पालन कर रहे हैं मुनि धर्म का श्रावक अपने कर्तव्य का पालन देव पूजा गुरु पास की तीर्थ यात्रा गुरुओं की वंदना और तीर्थों के जीर्णोद्धार आदि कार्यों में आप लोग संलग्न हैं। सुबह से शाम तक भक्ति करते हैं अपना काम अपना व्यापार अपना सब संभालते भी हैं और अपने घर को भी संभालते हैं। कितना बड़ा दायित्व संभालते हुए आप धर्म का धर्म की प्रभावना में गुरुओं के साथ आगे आते हैं ये बहुत बड़े सौभाग्य का बहुत बड़े पुण्य का विषय है।
बहुत बड़े पुण्य का योग है। अभी मैं चिंतन कर रही थी मोती सागर शुल्लक, जो कि सन 1967 में हमें एक रत्न के रूप में उपलब्ध हुए। जब जम्बूद्वीप की रचना की चर्चा चल रही थी जम्बूद्वीप रचना जो मेरे मस्तिष्क में आई थी, ध्यान में आई थी स्वर्ण बेलगोल में सन 1964 में, तो उसके बारे में जब वर्णन करती थी भाई, ये लोग भाव विभोर होकर सुनते थे। जब उसको बनाने का संकल्प किया, भावना बनाई, कमेटी बनी, तो उस समय मैंने एक शब्द कहा था कि देखिए, मैंने जब से घर छोड़ा है सन 1952 से आज तक, किसी भी कार्य के लिए, चाहे मूर्ति का निर्माण हो, चाहे तीर्थों का विकास हो, चाहे कोई रचना विशेष हो, चाहे ग्रंथ प्रकाशन हो, किसी कार्य के लिए, यहार हो, विहार हो, किसी कार्य के लिए मैंने कभी किसी से पैसे के लिए नहीं कहा। तो इस मेरे नियम को आप सुरक्षित संरक्षित रखते हुए और मेरे संयम में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे, इस प्रकार से अगर वचन देते हैं, लिख कर देते हैं, तो मैं जम्बूद्वीप की रचना के लिए प्रेरणा दूंगी और उसका नक्शा बताऊंगी क्या है जम्बूद्वीप, क्या है कॉपी पर लिख कर बताना, कहाँ कितना बड़ा जम्बूद्वीप है, उसको किस रूप में लेना, कितने कितने फुट में उसे बांटना आदि। तो उन्होंने लिख कर दिया था, उनके साथ हमारे रविंद्र कीर्ति जी हैं जो आज, ये रविंद्र कुमार जी और दो तीन लोगों ने मिल करके लिख कर दिया था कि हम आपके संयम में कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगे, आपसे कभी नहीं कहेंगे कि निर्माण देखो, कि इसको संभालो, या पैसे की व्यवस्था बनाओ, या किसी से पैसे के लिए कहो। कमेटी बना दी, त्रिलोक सुख संस्थान की स्थापना कर दी, चयन कर दिया दिल्ली में लोगों का। अभी आप स्वर्ण बेलगोल में देखते हैं, वहाँ की यात्रा हुई हमारी, जब की थी हमने सन 1964 में हैदराबाद से, उन लोगों ने भी स्वरुचि से यात्राएं कराई थी, कभी भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा कि ये हमारी व्यवस्था बनाओ। आज हमें मुंबई में ले जाने का, घुमाने का श्रेय जिन महानुभावों ने प्राप्त किया, सब स्वरुचि से, अपनी भक्ति से आगे रहे। और हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने भी आज तक हमारे उस नियम को किसी प्रकार से कभी नहीं कहा कि माता जी इस दातार से आप कह देना पैसे के लिए या किसी के लिए, कभी नहीं कहा। मैंने कमेटी निर्धारित कर दी, तो आज मेरा भी पुण्य है जो ऐसे ऐसे योग्य रत्न हमें मिले, संघ में मिले और आप जैसे श्रावक भी मिले, जिन्होंने उनकी बात मानी, कमेटी में सम्मिलित होकर के और उस स्वामी जी के साथ, हमारे मोती सार के साथ कंधे से कंधा लगा करके आप लोग जुड़े, मिले और सबने मिल करके, वो कहते थे एक 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 और एक हम 11 हैं, हमेशा कहते थे, हम जब से उनको रविंद्र जी मिले कहते थे एक से एक हम, एक और एक हम 11 हो गए। और फिर चंद्रावती जी का भी इनके सबके साथ बहुत सहयोग रहा, ये बालिका अवस्था से ही और ब्रह्मचार्य अवस्था से इन्होंने बहुत सहयोग दिया, सब काम में आगे रही। तो बात यही है कि आहार विहार और निर्माण और तीर्थों के विकास और धन प्रभावना की जितने अकथनीय विशेष विशेष बड़े बड़े कार्य दिल्ली में भी हुए, मुंबई में भी हुए और जहाँ जहाँ भी हुए, मांगी थुंगी में इतनी बड़ी प्रभावना, इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ, सब आप लोगों ने कमेटी बनाकर मिलकर किया। हमें इस बात का गौरव और प्रसन्नता है कि ऐसे ऐसे शिष्य रत्न आज भी हैं, गुरुओं की आज्ञा पालन करके और उनकी भावनाओं के अनुसार मूर्त रूप देने वाले चामुंडराज जैसे व्यक्ति मौजूद हैं। तो बात यही है कि ये धर्म प्रभावना के कार्य, भगवंतों के शासन की प्रभावना, और हमने तो बस स्तुति रचना, स्तुति करना भगवान की और माला फेरना। चंद्रावती कहा करती है कि माता जी की माला और आपका माल, और जैन समाज हो गया माला माल, भगवान शब्द प्रकट हो गए। इतना बड़ा महोत्सव आपने संपन्न कराया, मुंबई की धर्म प्रभावना और वहाँ का चातुर्मास हमारा एक अपने आप में इतिहास बना, और यहाँ का चातुर्मास भी हमारी विश्व शांति की कामना के लिए प्रतिदिन शांति धारा, घर घर में शांति धारा होती है और घर घर में आचार्य श्री सांसार की मूर्ति में अपने हाथ से विराजमान करती हूँ, तो बहुत ही प्रसन्नता होती है कि घर घर में शांति सागर, जन जन में शांति सागर विराजमान हो रहे हैं और उनकी प्रभावना हो रही है, और उसके साथ आप हमारी भी प्रभावना कर रहे हैं। तो हमारी भक्ति क्या, मैं तो कहती हूँ संयम की भक्ति है, मेरी भक्ति नहीं, संयम की भक्ति है। संयम और संयमियों की भक्ति यही बड़ी चीज़ है। ये आपके दिन दुनी रात चंगनी प्रतिदिन गत होती रहे, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।